सबके मन को भाए राजेश मसाले, राजेश गुलाब जामुन और पापड़। नमस्कार, दोपहर वार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सीबीआई के रडार पर अफसरों की। दरअसल यूपी पुलिस पर उन्नाव केस में जो इल्जाम लगे और इस मामले में यूपी पुलिस का जो चेहरा नजर आया, उसने यूपी पुलिस की बुरी तरह से भद पिटवा दिया। पुलिस वाले रेप और मर्डर केस में आरोपी बीजेपी के विधायक के सामने यूं सरेंडर हुई, खाकी की रही सही मर्यादा भी खाक में उन लोगों ने मिला दी। अब कई अफसरों की सिट्टी पिट्टी गुम है, वो इसलिए क्योंकि सीबीआई के रडार पर कई अफसर हैं। वो अफसर सीबीआई के रडार पर हैं जो काम तो सरकार के लिए करते थे लेकिन हराम की कमाई के लिए हुक्म बजाते थे माननीय विधायक जी का। लेकिन अब सीबीआई ने माननीय को भी कानून का पाठ पढ़ा दिया है और अगली बारी है आस्तीन के सांपों की। तो दोपहर वार में आज के बेहद ज्वलंत मुद्दे यानी सीबीआई के रडार पर अफसर पर चर्चा शुरू करेंगे। इससे पहले चर्चा शुरू करें, विशिष्ट मेहमानों से आपका परिचय करा दें। दीप्ति भारद्वाज उत्तर प्रदेश की बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। प्रिंस लेनिन एडवोकेट हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट हैं, वो इसके कानूनी पहलुओं पर हमें बताएंगे कि इसमें आगे क्या फर्दर एक्शन होगा। इनके अलावा अभी कुछ ही देर में हमको ज्वाइन करेंगे सपा के नेता तारिक सिद्दीकी और अंशु अवस्थी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ एमएल शर्मा जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे। और आपको बता दें कि एमएल शर्मा ने ही वो पिटिशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि सीबीआई जांच के लिए संस्तुति सरकार ने कर दी थी और अब गिरफ्तारी भी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दोपहर वार और देखते हैं कि सीबीआई के रडार पर कौन अफसर हैं और क्या एक्शन होने वाला है, यानी व्हाट नेक्स्ट। इससे पहले कि दोपहर वार में आज का डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई शांत होने वाली नहीं है। सीबीआई के रडार पर तमाम अफसर हैं जिनकी नींद उड़ी हुई है, वो चाहे पुलिस के अफसर हों या फिर डॉक्टर हों या फिर मेडिकल करने वाले डॉक्टर हों या फिर जेल के अधिकारी हों। इस केस में सीबीआई की ऐतिहासिक कार्रवाई में 20 घंटे के अंदर एफआईआर भी दर्ज हुई और बिना वक्त गंवाए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट कर लिया गया। शर्म की बात तो यह है कि यूपी पुलिस के अफसर यही काम 5 दिन में नहीं कर सके और आखिर तक डीजीपी साहब भी विधायक जी को माननी माननी कहकर संबोधित करते रहे। आइए पहले देख लेते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ और उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। उन्नाव के गैंगरेप मर्डर केस में सीबीआई ने ऐतिहासिक कार्रवाई की है। रेप और मर्डर के जिस आरोपी को यूपी पुलिस 5 दिन तक अरेस्ट नहीं कर सकी थी, उस माननीय पर 20 घंटे के अंदर एफआईआर की और गिरफ्तारी करके उसे उसकी औकात दिखा दी गई। सीबीआई के इतिहास की सबसे तेज कार्रवाई कही जा रही है ये कार्रवाई उन गुंडों के लिए नजीर है जो सत्ता और रसूख के बूते यूपी की बहन बेटियों को अपनी बपौती समझते थे। हालांकि सीबीआई ने जो काम किया है, यूपी पुलिस को वो काम 120 घंटे यानी 5 दिन पहले ही कर डालना चाहिए था। सीबीआई के एक्शन ने गुंडों के मुंह पर तो काली पोत ही दी। यूपी पुलिस के लिए भी कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करके चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली कहावत चरितार्थ कर दी है, क्योंकि अपनी अकड़ में डूबकर लखनऊ एसएसपी आवास पर अपने गुर्गों से मारपीट कराने वाले इसी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए पुलिस ने अपनी साख गंवा दी। आजमगढ़ के 36 इंच के सीने वाले उन पुलिस वालों को भी रुसवा कर दिया जिन्होंने कानून की खातिर अपनी बेटी तक को बलिदान कर दिया। लेकिन सीबीआई ने बिना वक्त गंवाए कुलदीप की गर्दन दबोचकर ये साबित कर दिया कि कानून के डंडे के आगे किसी की नहीं चलती। जब कानून का हंटर चलता है तो अपराधी इसी तरह भीगी बिल्ली बन जाता है। सीबीआई के धाकड़ एसपी राघवेंद्र वत्स विधायक को घसीट कर लाए, ये भारत समाचार की ही मुहिम का असर था कि जिस आरोपी को बचाने के लिए सत्ता के उच्च सिंहासनों पर बैठे आकाओं ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, उसे सीबीआई के सिंघम ने सीखचों के पीछे पहुंचा दिया। तुम लोगों के लिए तो सिर्फ मैं ही काफी हूँ,
के कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा हो, उसके लिए एक शेर ही काफी होता है। सेंगर की मदद करने वाले अफसरों से भी पूछताछ होगी, सेंगर की मदद करने वाले अफसर भी दबोचे जाएंगे, सबकी कॉल डिटेल से लेकर मौजूदगी तक खंगाली जाएगी। ये वही खबर है जिसने आस्तीन के सपोलों की नींद उड़ा दी है। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद ये तो तय है कि सेंगर की सत्ता की मलाई खाने वाले मददगार पुलिस अफसर अरेस्ट भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस के कई अफसर भी सीबीआई के रडार पर हैं। एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर से सीबीआई की पूछताछ के बाद से ही उसके तोते उड़ गए हैं। सेंगर ने सीबीआई के सामने घुटने टेक दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिबेट की। सबसे पहले रुख करते हैं प्रिंस लेनिन का, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। प्रिंस लेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि जो पुलिस काम नहीं कर सकी या करना नहीं चाहती है, वो बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने कर लिया, और निश्चित रूप से सीबीआई को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ यूपी पुलिस का जो भी रोल रहा है वो बहुत डिसगस्टिंग रहा है इसमें। देखिए, जाहिर तौर पर जो यूपी पुलिस की भूमिका रही है इस पूरे प्रकरण में बहुत ही अशोभनीय, निंदनीय रही है। ऐसी जो गंभीर घटना थी, जो बद से बदतर होती चली गई, कि गैंगरेप की जो पीड़िता थी उसके साथ तो कोई इंसाफ हुआ नहीं, उसके पिता की हत्या अलग से हो गई उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा जो उस पीड़िता के गैंगरेप के आरोपित थे। इन सब की वीडियो पे प्रामाणिकता थी। किस तरह से प्रशासन ने ऐसे पीड़ितों के साथ व्यवहार किया, ये सब सामने खुल करके था। उसके बाद भी आप सत्य की खोज में और सबूतों की खोज की बातें और इंक्वायरी की बात करते रहे, और जब न्यायालय के द्वारा गंभीरता से, कड़ाई से इस घटना का संज्ञान लिया गया और कई गंभीर प्रश्न सरकार के ऊपर जब पूछे गए, तो सरकार बगले झांकने लगी और रातों रात अब सीबीआई रवाना हो करके और अक्यूज्ड को उठा करके अपने लखनऊ के हेडक्वार्टर्स में बैठी हुई है। यह अभी तक जहां तक शायद क्लियर नहीं है कि उन्होंने उसको पूछताछ के लिए रखा है या अरेस्ट किया है, क्योंकि अभी उनके पास 24 घंटे का कानून के हिसाब से समय है। बिल्कुल, जैसे 24 घंटे बीतेंगे उसके बाद उनको आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा, कि अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो उसको लोकल मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रोड्यूस करके रिमांड लेनी पड़ेगी। रिमांड में वो उसकी फर्दर पुलिस कस्टडी मांगते हैं या जुडिशियल कस्टडी में उसको जाने देते हैं, ये अब आगे की जो कार्रवाई सीबीआई के द्वारा होगी उससे उल्लिखित होगा। तारिक सिद्दीकी जी, एक बहुत अहम सवाल ये उठता है कि कल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई थी और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बहुत तल्ख टिप्पणी की थी, और ये भी कहा था कि एक घंटे के भीतर बताए, लंच के पहले उन्होंने कहा था कि सरकार एक घंटे के भीतर बताए कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया, जो आज अभी इस डिबेट के बाद यानी 2 बजे के बाद सुनाया जाएगा। तो ये सीबीआई ने एक्शन लिया है, त्वरित एक्शन लिया है, वो सारी चीज़ें ठीक है। कल ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक दिन का और मौका गवर्नमेंट को मिल गया है तो शायद रात तक गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन सरकार ने या पुलिस ने उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इनिशिएटिव सीबीआई को ही लेना पड़ा। जो पुलिस वाले इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी सीबीआई? देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार की कलई खुली है। ये जनता विरोधी सरकार थी और वह साबित होकर के सबके सामने आ रही है। गुंडों को सरपरस्ती मिल रही है। इतना हीनियस क्राइम था और ये काम जो सीबीआई ने करा है, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सक्षम थी और इसको अगर टाइम से कर देती तो कम से कम पिता की मौत से तो वो घर वाले कम से कम बच जाते। एक लड़की अपने आप इल्जाम आपको बता रही हो, ये 4 जून से मामला चल रहा है। अगस्त में मुख्यमंत्री को, कल आपने सुना होगा कि एजी ने ये बताया है कि अगस्त में मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई, और उसके बाद क्या मुख्यमंत्री कार्यालय सो रहा था। ये सब ढकोसले हैं कि आप एक तरफ जनता की अदालत लगाते हैं, दूसरी तरफ क्लियर कट केस आपके सामने आता है। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और सिद्धार्थनाथ सिंह जी का भी बयान आया था कि हमने केस सीबीआई को सौंपा। मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले भी कह रहे थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कह रहे हैं, ये रटा रटाया उनके पास सेंटेंस है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सारे दोषी खुले टहल रहे हैं। अगर आज माननीय उच्च न्यायालय ने अगर इसमें संज्ञान न लिया होता और इतना कड़ा रवैया ना अख्तियार किया होता और सीबीआई ना आती, तो आज भी ये
आज भी आपका एमएलए बाहर घूम रहा होता और सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा होता। ऑलरेडी बहुत सारे सबूत मिटा करके इन्होंने सीबीआई का काम टफ कर दिया। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी जी, पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो रोल रहा है उससे पुलिस की साख गिरी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, और साथ ही साथ सरकार की भी साख गिरी है। देखिए रमन जी, जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से जो घटनाक्रम है उसमें सरकार की मंशा तो साफ हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है, प्रशासन के इशारे पर काम करती है, और प्रशासन सरकार के हिसाब से चलता है, और सरकार चलती है मुखिया के हिसाब से, उनकी जो उनका संगठन है उनके हिसाब से। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें सिर्फ पुलिस की नहीं, पुलिस की सरकार की और सरकार के साथ साथ उस भारतीय जनता पार्टी की, जो पार्टी भी डिफरेंट की बात करती है। आज आप देखिए किस तरीके से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सरकार और पुलिस प्रशासन, इनके जो DMSP सबके बयान उस तरीके के थे कि जिस तरीके से उसको किस तरीके से ढका जाए, छिपाया जाए। सरकार ने अपनी नाकामी, अपना निकम्मापन तो जाहिर कर दिया रमन जी। अगर ये गिरफ्तार करते तो निश्चित रूप से माना जाता कि सरकार ने हिम्मत दिखाई। यदि मैं फिर मांग करता हूं, यदि अगर सीबीआई ने अरेस्ट किया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आज उनका बचाव करेगी? और यदि बचाव नहीं करते हैं, एक्यूज मानते हैं, तो क्या कोई एक्शन लेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी विधायक पर कोई कार्रवाई करेगी? वो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, क्या उनको पार्टी से निष्कासित करेंगे, इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे? ये महिला विरोधी लोग हैं, और दरअसल असली बात आप समय समय पर देखिए, संविधान विरोधी हरकतें केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमेशा करती रही है। इन्होंने इसीलिए पास्को के तहत गिरफ्तारी है, उसके बाद भी अरेस्ट नहीं किया। निश्चित रूप से ये संरक्षण है अपराधियों और बलात्कारियों को, भाजपा का और उसकी सरकार का। दीप्ति श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे, और इससे पहले दर्शकों को बता दें कि दीप्ति श्रीवास्तव जी, दीप्ति भारद्वाज जी, उनको उनका जो काम रहा है और उनका जो इनिशिएटिव रहा है इस मुद्दे पर, ये बहुत संवेदनशील रहा है और बहुत अप्रिशिएट करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता इनको अप्रिशिएट करेगी, इसलिए कि बीजेपी में रह के भी इन्होंने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई और निश्चित रूप में इन्होंने एक बहुत सराहनीय काम किया। दीप्ति जी, आप पहले दीप्ति जी से बात कर लें, उसके बाद आपसे बात करेंगे। दीप्ति जी, ये जो कुछ भी हुआ, चलिए अब सीबीआई के हाथ पहुंच गई सारी चीज़ें, सीबीआई इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, पीड़िता के पक्ष से भी पूछताछ कर रही है, विधायक जी से भी पूछताछ हो रही है, और साथ ही साथ वहाँ होटल में भी जहाँ रखा गया है वहाँ भी ये लोग गए थे, और जो सीएमओ था उनसे भी पूछताछ होगी, ये भी सुनने में आ रहा है कि नेहा पांडे जो कि वहाँ पहले तैनात थी उनसे भी पूछताछ होगी, और पुष्पांजलि देवी उनसे भी पूछताछ होगी। तो कुल मिला जुला के सीबीआई के हाथ में मामला चला गया है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसमें निश्चित रूप से इस मामले में जो डिले हुआ है उससे बहुत इमेज डेंट हुई है सरकार की, क्या आपको नहीं लगता? निश्चित तौर पर जो मैं इससे बिल्कुल इत्तफाक रखती हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि जो डिले हुआ उसने भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ा कहीं पर, और बार बार ये बात कहने के लिए विवश कर दिया कि सरकार आखिर देर क्यों कर रही है, एक व्यक्ति के बचाव में क्यों आ रही है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन अब जिस प्रकार से चीजें सामने आई और जिस प्रकार से उनका संज्ञान लिया गया और उसके बाद में जिस त्वरित कार्यवाही के साथ उनको सुबह गिरफ्तार किया गया है, निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि सरकार का फिर से इकबाल कायम होगा। और सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया जी, जी 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 मैं जानती हूँ, और मुझे ये विश्वास है, चूंकि मैं एक बात और बता देती हूँ, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं, मुझे मालूम है जो लोग भी इसको सुन रहे होंगे उनको मेरे इस बयान से बहुत आपत्ति भी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने पूरा इलेक्शन मोदी जी के चेहरे पर लड़ा था, और मोदी जी ही इस देश के नायक हैं, मोदी जी ही इस प्रदेश के भी नायक हैं। निश्चित तौर पर उनको अगर कोई चोट पहुंचती है, उनके सम्मान को कोई चोट पहुंचती है, तो उनके 11 करोड़ कार्यकर्ताओं को भी चोट पहुंचती है, जिसमें से एक मैं भी थी। तो निश्चित तौर पर मुझे ये विश्वास है कि जब ये पूरा प्रकरण मोदी जी के संज्ञान में गया है तो इस पर त्वरित कार्रवाई की गई। चलिए, एमएल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एमएल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करेंगे इसलिए कि आप जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे उठाते रहते हैं, और इस मामले में भी आपने सीबीआई जांच के लिए याचिका लगाई थी। एमएल शर्मा जी, अब तो खैर चलिए सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, तो अब फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन सीबीआई का क्या होगा और कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, ये हमारे दर्शकों को आप समझाइए। देखिए, अभी मैं सुन रहा था मैडम जी का बयान जी, बहुत सही कह रही थी मैडम जी कि ये जो कुछ हो रहा है ये मोदी जी के नियंत्रण में हो रहा है, ये मोदी जी ही कर रहे हैं, करवा रहे हैं और देख रहे हैं, और इन सबको दर्द होता है। अब कल पहली बार जो प्रकरण 4 जून से चल रहा है, एक लड़की 4 जून से चिल्ला रही है माइनर लड़की कि मेरे साथ रेप हुआ है, FIR दर्ज करो,
और जब उसके फादर की हत्या कर दी गई उसके बाद में जब मीडिया का प्रेशर आया, पूरे पब्लिक ने जब आंदोलन चालू कर दिया, मेरे ख्याल से उस समय मोदी जी को पता चला, मैडम को पता चला कि शायद किसी लड़की का रेप हुआ जिसका कि कोई अस्तित्व नहीं है इस देश में जी। इसलिए आज पहली बार मोदी जी के कहने पे सीबीआई ने पूरा मैटर अपने हाथ में ले लिया है। आपको एक जानकारी बता दें, हम सीबीआई मोदी जी के ही डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। 6 महीने से जिस प्रकरण पर FIR नहीं हुई, जिसको किसी ने नहीं सुना, जिसको बचाने में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और केंद्रीय गवर्नमेंट दोनों लगी रही, उसमें अब एविडेंस बनाए जाएंगे जो ये प्रूव करेंगे कि मिस्टर सेंगर उन दिनों में नाव में थे ही नहीं। ये मैटर कोर्ट के मॉनिटरिंग में होना चाहिए, न कि पीएम मोदी के कंट्रोल में होना चाहिए। और आने वाले आपका कहना कि सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया, ले लिया, मेरा एक प्रश्न है, जो भी यहाँ बैठे हैं जी, और जो भी सुन रहे हैं, क्या एक नाबालिग लड़की की पुकार 6 महीने तक इस प्राइम मिनिस्टर के कान में नहीं पहुंची? और नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची? क्या ये आदमी इस लायक है? क्या ये आदमी इस लायक है जो कि अपने आप को पीएम कह सके या पीएम के पद पर रह सके, जो एक गरीब लड़की की मासूम आवाज को 6 महीने तक नहीं सुन सका? एमएल शर्मा जी, एक सवाल हम आपसे, आज पहली बार ये कह रही है कि मैंने कल सुना है शाम को रात को जी। एमएल शर्मा जी, एक बहुत अहम सवाल ये है कि अब क्या होगा, इसलिए कि ये पुराना, इस देश के लिए, ये सुनिए, हर व्यक्ति के लिए, एमएल शर्मा जी, ये अब पुराना मामला हो चुका है, तो कानूनन अब क्या होगा, इसलिए कि रेप का आरोप बहुत पुराना है, तो अब इसमें कानून के हिसाब से क्या होगा और कितना स्ट्रांग केस है? देखिए, आपका कहना बहुत सही है, मामला पुराना हो चुका है, बहुत सही बात कही आपने, और निश्चित गारंटी देता हूं 6 महीने बाद इस मामले की कोई भनक नहीं होगी किसी को भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब तक आप लोग चिल्लाएंगे मीडिया वाले, जब तक आंदोलन रहेंगे, इस मामले के ऊपर एक्शन होगा, उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हमारी पिटीशन शुक्रवार को आ रही है सुप्रीम कोर्ट में जी, और हमने इसके ऊपर स्पेशल कुछ अलग डिमांड की है, उसके हियरिंग होने दीजिए, और हम आपको निश्चित रूप से बताते हैं, मीडिया चुप हो जाए, ये आंदोलन बंद हो जाए, पूरे देश के सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े हो जाएं, फिर वे इस लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ है उसके अपराधी को ये लोग नहीं बचा पाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं अभी, और अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग बाकी है, हम इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के मॉनिटरिंग में करवाएंगे और सजा दिलवाएंगे जी। दीप्ति भारद्वाज जी, जो एमएल शर्मा जी कह रहे हैं उसके हिसाब से अभी एक और पिटीशन इन्होंने फाइल की जिसकी फ्राइडे को हियरिंग होगी। कुल मिला जुला के ये बहुत बहुत शर्मनाक रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी और पुलिस के लिए भी। मैं स्वीकार करती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, और लेकिन मैं इतना भी मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतांत्रिक व्यवहार, लोकतांत्रिक स्वरूप है, उस पर उसने जिस प्रकार से, जिस तरीके से व्यक्ति अपनी आवाज उठा करके अपनी आवाज को कह पाता है, वो कार्यकर्ता को ये स्वतंत्रता मिली और वो उसने वो भी काम किया है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने काम में सक्षम है। लेकिन प्रशासन का जो रवैया रहा इस पूरे प्रकरण में, और प्रशासन ने जिस प्रकार की ढुलमुल नीति को अपनाया, वो अपने आप में संदेहास्पद है। और निश्चित तौर पर मैं ये मांग करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि किसी भी स्थिति में वहां के SP को ना छोड़ा जाए, क्योंकि इस चीज में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग जिम्मेदार हैं, और उन्होंने इस केस को डिले करने का काम किया है, इस केस में पूरी तौर से हस्तक्षेप करने का काम किया है। मैं जानना चाह रहा हूँ दीप्ति जी का जो बयान है, मैं नहीं जानता जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पिछले 4 साल से प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, जिन्होंने ये नारा दिया था कि महिलाओं के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, कल इन्होंने ये मैटर CBI को खाली क्यों दिया? इनको चाहिए था तुरंत SP को और SHO को, दोनों को सस्पेंड करना परमानेंटली। आखिर क्यों, आखिर वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक? बिल्कुल सही, देखिए मैं इसका सीधा सा कारण है, इस पूरे प्रकरण में BJP MLA को बचाने की प्रक्रिया चल रही है, और ये चलती रहेगी, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि मीडिया इसके पीछे खड़ा नहीं है, और जिस दिन मीडिया ने इसको छोड़ दिया उस दिन BJP MLA को बचा लिया जाएगा। और यहाँ पे आप तो क्या, मेरे तो क्या कोई पूछने वाला भी नहीं होगा कि इस गरीब लड़की के साथ क्या हुआ और इसके अपराधियों का क्या हुआ। याद है आपको निर्भया कांड,
निर्भया कांड में कंटिन्यू 6 महीने तक आंदोलन होते रहे, बिल्कुल, कि अपराधियों को सजा दी जाए। वो कारण केवल एक था कि वो सारे के सारे कमजोर थे, गरीब वर्ग के थे, और ये बीजेपी का एमएलए है, मजबूत, ताकतवर, पावरफुल, इसके आगे कुछ नहीं होगा। इसी के लिए मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ दोनों खड़े हुए हैं और पूरी बीजेपी पार्टी खड़ी हुई है। रमन जी, मैं अपनी बात कर रहा था जी, दीप्ति जी के बयान का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वो ये हिम्मत जुटा पाएंगी? सिर्फ आप एसपी को जिम्मेदार क्यों ठहराती है? 4 जून 2017 को घटना होती, 6 जून 2017 को वो मुख्यमंत्री से मिलती है वो लड़की, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। क्या योगी जी का इस्तीफा मांगेंगी दीप्ति भारद्वाज? आप ढोंग मत करिए दीप्ति जी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप अपने विधायक के ऊपर निष्कासन की कार्रवाई की मांग करती हैं क्या? दीप्ति जी तो बहुत 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 खुलेआम आवाज उठाती रही हैं। देखिए, रमन जी पार्टी में रह के अगर आवाज उठा रहे हैं तो मैं मानता हूं ये सिर्फ मनगढ़ंत, ये प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। वो भी कोई नहीं कर सकता, नहीं तो ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या विधायक के निष्कासन की मांग करती है दीप्ति भारद्वाज जी? क्या विधायक पर कार्रवाई, विधायक पर संगठन की तरफ से कार्रवाई प्रिंस लेनी होनी चाहिए? पहली बात, एमएल शर्मा को प्रिंस लेनी, अगर आप शर्मा जी से बात करना चाहें तो कुछ पूछ सकते हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, अब आपको, अब आप हमारी दुर्दशा में मत जाइए। सिर्फ 4 साल में आज यहां प्रिंस लेनी, 4 साल में इतना घमंड का नहीं है। शर्मा जी लड़की का है जिसके साथ रेप हुआ है जी, शर्मा जी मैं आपको, सवाल आज उस लड़की का है जो कि कमजोर है, जो गरीब है, जिसके साथ रेप हुआ है, आप ये बताइए उसको बीजेपी के विधायक को बचाने के लिए जो जो लोग लगे हुए हैं क्या उन सबके विरुद्ध एक्शन होगा? पूछिए इनसे, मैडम से, क्या पीएम मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एक्शन ले सीएम के अगेंस्ट में, एसपी और एसएचओ के अगेंस्ट में? नहीं तो पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। रमन जी, मैं एक जी, बात जी, पूरी कर दूं, जो निर्भया की बात अभी शर्मा जी ने की, मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो निर्भया का भाई था उसको हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने इंदिरा गांधी उड्डयन अकादमी में पायलट की ट्रेनिंग कराई और आज वो पायलट, ये किसी को पता है? किसी ने दी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रोटी सेकती है, जहां पर निर्भया के नाम पर रोटी सेकनी थी, इनके हजारों कार्यकर्ता सड़क पर थे। आज दीप्ति भारद्वाज को छोड़ दीजिए, मैं इनका स्वागत करता हूं। इसके अलावा कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आवाज उठा रहा? प्रिंस कौन से 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की बात कर रही है आप? आपसे ये जानना चाहेंगे इस मामले में पुलिस अफसरों के खिलाफ आपसे और शर्मा जी चैनल के द्वारा पीएम मोदी का रेजिग्नेशन, इस्तीफा डिमांड करता हूं। एमएल शर्मा जी 4 साल हो गए प्राइम मिनिस्टर बने हुए, जो आदमी 6 महीने से बैठा हुआ है, एमएल शर्मा जी गरीब लड़की, एमएल शर्मा जी की आवाज को नहीं सुन सकता। एमएल शर्मा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि इस मामले में सीबीआई ने पुलिस अफसरों की भूमिका को भी काफी संदिग्ध माना है और ये जाहिर तौर पे सामने बात आई है, तो क्या इन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी एक्शन होगा और किस तरीके से इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? कानून क्या कहता है? देखिए, ये बात देखिए, मेरे हिसाब से सीआरपीसी कहती है अगर एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता तो एसपी की जिम्मेदारी होती है तुरंत एफआईआर दर्ज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, कोई एविडेंस नहीं चाहिए, केवल विक्टिम, जो बलात्कार की पीड़िता महिला है उसका स्टेटमेंट काफी है सजा दिलाने के लिए, और एक नहीं 5,500 ऐसे जजमेंट है जिसमें केवल स्टेटमेंट के आधार पर, बयान के आधार पर सजा हुई है, तो फिर उसके बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्यों सीएम योगी बचाते रहे, क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी बचाते रहे इस बीजेपी एमएलए को? मेरे इस बात का जवाब दें ये मैडम, और इस बात का जवाब मोदी दें, और इस बात का जवाब आदित्यनाथ दें कि क्यों नहीं बोलो रिजाइन करना चाहते। एसएसपी पे डीएम पे सचमुच कोई एक्शन नहीं हुआ? प्रिंस लेनिन जी, इनके खिलाफ मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ? इसलिए माना जा रहा है कि इनके खिलाफ भी एक्शन होगा, रडार पे ये अधिकारी हैं। देखिए, जो सेक्शन 166 आईपीसी, कुछ नहीं होगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, लिख के रख लीजिए, ये पीएम मोदी और आदित्यनाथ और किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होंगे। आने वाले टाइम में झूठे एविडेंस बन के सामने आएंगे, कहेंगे कि लड़की झूठ बोल रही है, या लड़की का दिमाग खराब है, या ये सेंगर था ही नहीं वहां पे, और ये सारा मैटर रफा दफा कर दिया जाएगा। ये मैं आज चैनल पे कह रहा हूँ, रिकॉर्ड करके रख लीजिए इस बात को आप। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने नियंत्रण में ले लिया, मॉनिटरिंग में ली, तभी इनको सजा होगी, नहीं तो किसी को कोई सजा नहीं होगी। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, आपने जो पिटीशन फाइल की है उसमें किन किन बिंदुओं को हाईलाइट किया है और क्या चाहते हैं आप कि किस तरह की चीज होनी चाहिए? हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा है सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में, मॉनिटरिंग में पूरी जांच हो, सीबीआई सारी रिपोर्ट केवल सुप्रीम कोर्ट को सौंपे और उसके हिसाब से कार्रवाई हो हर किसी के अगेंस्ट में।
जिसने बलात्कार किया है उसके अगेंस्ट में और जिसने बलात्कारी को बचाने की कोशिश की है उसके अगेंस्ट में भी। नंबर दूसरा, निर्भया रेप कांड में 2 करोड़ का फ्लैट और 1 करोड़ के आसपास कैश निर्भया के पेरेंट्स को दिया गया था। अगर निर्भया कांड में लड़की के माँ बाप को रेप के बदले इस तरह का कंपनसेशन दिया गया, यही कंपनसेशन इस लड़की और इसके परिवार को भी दिया जाना चाहिए। जी अच्छा एमएल शर्मा जी, निर्भया तीसरा हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। जी बोलिए जी बोलिए। तीसरी हमने इस कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि एक गाइडलाइन बनाएंगे स्ट्रिक्ट एक्शन करने के लिए, किस तरह से इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए, और अगर एक्शन नहीं हो तो SHO को, SP को, और अगर पीड़िता चीफ मिनिस्टर के पास गई और चीफ मिनिस्टर ने एक्शन नहीं लिया है तो चीफ मिनिस्टर को भी इमीडिएटली सस्पेंड किया जाना चाहिए और दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड ऑल्सो इन केस ऑफ द वुमेन रेप। अगर इस देश में जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा तब तक लड़कियों के साथ होने वाला रेप बंद नहीं होगा, क्योंकि रेप करने वाले ताकतवर होते हैं, समर्थशाली होते हैं, पैसे वाले होते हैं और राजनीतिक रूप से मजबूत होते हैं। ऐसे एक नहीं, मैं आपको 10 एग्जांपल दे सकता हूं। जी प्रिंस लेनिन, आपसे रिएक्शन चाहेंगे एमएल शर्मा जी की बात पे। देखिए, जो आपने अभी कार्रवाई की बात पूछी थी, तो जो कानून में सेक्शन 166 है IPC का, वो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसोबे करता है तो उसके खिलाफ 1 साल की सजा है। दूसरी चीज, ये निर्भया के केस के बाद जो नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम की गलत तरीके से अगर पीड़िता के साथ व्यवहार अधिकारियों द्वारा किया गया है तो उसके लिए भी 1 साल का पनिशमेंट 166B में है। उसके साथ अगर 167 जो IPC है वो प्रोवाइड करता है कि अगर एनी पुलिस ऑफिसर फ्रेम्स इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट अ पर्सन, जैसा कि उसके पिता के साथ किया था कि उसका झूठा चालान करके उसको जेल में डाला, तो उसमें 3 साल की सजा। सजाएं सारी हैं लेकिन मंशा पे अब सवाल रहता है। पुलिस ने पुलिस के खिलाफ, पीड़ित के खिलाफ के लिए तो कुछ किया नहीं, MLA के खिलाफ किया नहीं, तो अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ क्या करते? अब क्योंकि CBI के पाले में ये सारी चीजें हैं, कानून में प्रावधान स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं, तो आशा करते हैं कि जो CBI है वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसी भी दोषी पुलिस अधिकारी को नहीं बख्शेगी। आपने वीडियो में देखा किस तरह से पुलिस की प्रेजेंस में उसके पिता को पीटा गया है, किस तरह से वीडियोज में दिख रहा है कि डॉक्टर्स ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाया है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन में। इस तरह की गंभीर अनियमितता बरतने के बावजूद इनके विरुद्ध भी कोर्ट को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। एमएल शर्मा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग हैं, CBI ने तो अपना काम कर लिया और काम कर रही है, और सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका यह कहना था कि वो गांव वापस नहीं जाएंगे, जाएंगे तो उनकी जान को खतरा है, बाप की मौत हो चुकी है और चाचा की भी हत्या कर देंगे, ऐसा जो पीड़िता का बयान आया था उसमें कहा गया था। अभी भी उनको पुलिस की सुरक्षा में वहां पर एक होटल में रखा गया है। कंसर्न ये है कि जैसे ही ये मामला चलने लगेगा आगे, तो वही यूपी पुलिस जिसने इस मामले में इतनी छींचा लेदर करवाई और दबंगों का साथ दिया, उनसे किस तरह की सुरक्षा की उम्मीद कर सकता है परिवार? परिवार को सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? परिवार की सुरक्षा के लिए PM मोदी को चाहिए इमीडिएटली उनके घर पर BSF तैनात करें। लोकल पुलिस नहीं, कोई पुलिस नहीं, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केवल उन परिवार की सुरक्षा कर सकती है। दूसरा, इसको तुरंत वही कंपनसेशन दिया जाना चाहिए जो निर्भया कांड में दिया गया था। और तीसरा, इमीडिएटली इन सबको सस्पेंड किया जाना चाहिए जिन जिन लोगों ने BJP MLA को बचाने की कोशिश की है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो IG हो, चाहे DIG हो, चाहे SP हो, चाहे SHO, और चाहे वो दूसरे MLA हो जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है इस लड़की के विरुद्ध में। जी अंशु जी, रमन जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार अभी यूपी को कानून में है, शर्मा जी थोड़ा सुन लीजिए। रमन जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अभी यूपी कोका लाई थी, उसमें प्रोविजन है जब भी कोई संगठित अपराध होगा तो उस पर यूपी कोका लॉन्च किया जाएगा। आज आप देखिए किस तरीके से, अभी प्रिंस लेनिन जी ने बताया मैं सहमत हूँ, शर्मा जी ने बताया मैं सहमत हूँ, मुख्यमंत्री के पास वो पीड़िता गई न्याय नहीं मिला, SP के पास गई न्याय नहीं मिला, और पुलिस की मौजूदगी में उसकी पिटाई किस तरीके से विधायक के भाई ने की, डॉक्टरों ने किस तरीके से लापरवाही से मेडिकल चेकअप किया और कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्या ये संगठित अपराध नहीं है? मैं दीप्ति भारद्वाज से फिर जानना चाहता हूं, ये दोनों ने ये हिम्मत जुटाई है तो आखिर अगर हिम्मत जुटाई है तो खुल के आप कहिए कि ये संगठित अपराध है, और यदि संगठित अपराध है तो यूपी को का लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए,
ये यूपी कोका के तहत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी ये मांग करती है, इसमें यूपी कोका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि योगी जी ने अपराधियों की रोकने की बात की थी। आज जरूरत है, आज आप हिम्मत दिखाइए, यूपी कोका लगाइए। मैं कुछ बोलूं? जी दीप्ति जी, अंशु जी बहुत से कांग्रेस के प्रवक्ता इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि कल अचानक से राहुल गांधी जी का जमीर जाग गया था। अचानक से नहीं चूंकि कश्मीर के नरेंद्र मोदी जी का हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठा लिया था, और मुस्लिम महिला के लिए तो वो खड़े हुए थे, मुस्लिम बच्ची के लिए तो वो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस जनता पार्टी की सरकारें जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ बराबर बलात्कार हो रहे हैं, मोदी जी शांत क्यों है? मोदी जी का बयान क्यों नहीं है? जो भी अब आपके हिसाब से लोग क्या करेंगे? क्या बीजेपी तय करेगी? बात मैं आपको और बताता हूँ, सबसे बड़ी बात यह है एक बात और बताना चाह रहा हूँ, एक बात जिसका जवाब अभी तक कोई नहीं दे रहा, ना जिसको कोई उठा रहा है। बिजनौर के एक रेप हुआ था, आपको याद होगा, आपको याद होगा, कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की थी, और कोर्ट ने यह कहा था कि क्या हर FIR में इसी तरह की आप जांच करते हैं, यानी पहले पूरी जांच करेंगे उसके बाद अरेस्ट करेंगे। सवाल यह है कि जिस दिन प्रमुख सचिव गृह और DGP साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी बार बार माननीय विधायक जी इन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, जनता में क्या मैसेज जा रहा है? प्रिंस लेनी, जनता में एक मैसेज जा रहा है कि ये जो विगत कई वर्षों से ये देखने को मिलता आ रहा है कि जो सत्ता के करीब बैठे लोग हैं, सत्ता का वरदहस्त प्राप्त लोग हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई शिकायत आती है, चाहे उन्होंने कितना भी घनघोर गंभीर अपराध किया है, तो पुलिस को सांप सूंघ जाता है। पुलिस जांच के नाम पर, तथ्यों के परिशीलन और सत्यता के नाम पर वर्षों गुजार देती है। आम आदमी के साथ अगर कोई इस तरह के अपराध दर्ज होते हैं तो तत्काल पुलिस दरवाजे पे पहुंच जाती है। DGP साहब ने वहां की SP के खिलाफ एक्शन ले लिया होता, या देखिए इस मामले में SHO, मामूली SHO और बाद में CEO को भी सस्पेंड किया गया, अगर वहां पे SP के खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया होता तो शायद पुलिस की जो छवि ढुमिल हुई है वो कुछ हद तक बैलेंस हो सकती थी। रमन जी, अभी भी कहूंगा कि ये सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। FIR के एक मिनट, कस्टोडियल डेथ की वजह से SHO को सस्पेंड किया गया है, FIR रजिस्टर नहीं की, इसके लिए सस्पेंड नहीं किया गया है। बिल्कुल, ये आपको बता देते हैं। कस्टोडियल डेथ की वजह से हुआ है। एक रेप बिजनौर में भी हुआ था, भूल गए आप लोग जी, और वो रेप पीड़िता चीफ मिनिस्टर से मिलने गई थी, चीफ मिनिस्टर ने कहा था हम एक्शन लेंगे, उन्होंने कई महीनों एक्शन नहीं लिया, उस लड़की ने अपने आप को खत्म कर लिया, सुसाइड कर लिया, किसी को याद नहीं रहा। क्या ये मोदी और क्या ये चीफ मिनिस्टर है उसके ऊपर कुछ बोल सकते हैं? शर्म हो तो चुल्लू भाई पानी में डूब मरे दोनों के दोनों। देखिए जी, सिर्फ चीफ मिनिस्टर नहीं, ये आपने बिजनौर का वाक्य बताया है, जो लेटेस्ट वाक्य चल रहा है, चीफ मिनिस्टर का इकबाल और उनका कॉन्फिडेंस आवाम में गिरा है। भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करूंगा दीप्ति भारद्वाज जी का, उन्होंने हिम्मत दिखलाई है, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस कहने वाले लोग, कम से कम 2-4 हज़ार लोग जो डायरेक्ट गवर्नमेंट में नहीं है वो तो सड़क पे आई जाने चाहिए थे, तो इसका भारतीय जनता पार्टी का भी चरित्र सबके सामने आया है। जिस प्रदेश से आपका गृहमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वहाँ इस तरीके की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी घेरे में आती है। मुझे ये लगता है कि इमीडिएट एक्शंस ले करके, और ये बात बिल्कुल सही कही है शर्मा जी ने कि CBI से कंपेरेटिवली बेटर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट अपने कंट्रोल में चीज़ें नहीं करेगी, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होकर ये सारी चीज़ें आज आपने बड़े जोर शोर से उठाया है तो उसका असर है कि ये काम हो रहा है, वरना ये सब छितर हो जाएंगे और सबके सब अल्टीमेटली विधायक को बचा ले जाएंगे। देखिए दीप्ति भारद्वाज जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज मैं आपको एक बताता हूँ, एक और बात सुनिए एक मिनट के लिए जी। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों औरतों के साथ बलात्कार हुआ है, ट्राइबल लेडियों के साथ में, जो आदिवासी हैं उनके साथ में, उनमें से दो लेडी निकल के आई लड़ने के लिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी 4 साल हो गए, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई है। ये हाल है, जब तक मीडिया नहीं उठाता, जब तक आंदोलन नहीं होता, तब तक रेप पीड़िता के लिए कोई न्याय नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ML शर्मा जी, आप और कारण यही है उसमें भी कि उसमें कि एक MP है रेपिस्ट और इसमें एक MLA रेपिस्ट है। कब तक आप अपने चेहरे पे नकाब डालेंगे? प्रिंस लेनिन, आपसे एक रिएक्शन है जी। देखिए, इसमें इतनी गंभीर
आरोप लगे हैं, एक के बाद एक ऐसी गंभीर घटनाएं घटती रही हैं, और ये आप वर्षों का इतिहास में बार बार कह रहा हूं कि ये आप इसी घटना को मत देखिए, एक के बाद एक कितनी पीड़िताओं ने आत्मदाह किया है। इससे को ध्यान में रखते हुए मैंने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके लिए एक अलग से हेल्पलाइन दी जाए जो अभी भी लंबित है। कि पूरे प्रदेश में आप अक्सर देखा जाता है कि रेप पीड़िता जैसे थाने जाती उसको भगा दिया गया, हर जिले की यही हाल है। लखनऊ में अगर मीडिया के अटेंशन में कोई मामला आ जाता है तो इतना हाइप मिल जाता है। कल संबल से एक और खबर आई है, एक अच्छा अंशु अवस्थी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिस समय योगी जी ने सत्ता संभाली थी उसके फौरन बाद आपको याद होगा मथुरा का, आगरा का, वहां व्यापारियों की हत्या हुई थी। मुझे लगता है दीप्ति भारद्वाज जी आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूं कि उस समय उसके बाद दो तीन जो घटनाएं हुई थी, बलिया में जो आत्मदाह कर लिया, गाजियाबाद में कर लिया, उस समय अगर एक्शन लिया होता इन पुलिस दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तो शायद ये स्थिति नहीं होती। इसलिए कि कुछ समय तक जब सरकार आई थी तो पुलिस वाले, ऐसे जो पुलिस वाले हैं जो बिल्कुल कॉकस बना के अपना काम करते हैं, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। अब उनको लग गया कि गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं तो शिथिल हो गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो गया वहां पे। मैं बताऊं जी, देखिए रमन जी आपको बता दूं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि बराबर अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से 36% बलात्कार की वृद्धि हुई। नहीं, अपराध तो पिछली सरकार में भी थे, उससे बढ़ोतरी हो रही है। मसला ये देश पे 66% सरकार गुंडा राज और भ्रष्टाचार के नाम पर ही सत्ता में आ गया था। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात रमन जी ये है, आप देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि एसपी की पोस्टिंग में और एसएचओ की पोस्टिंग में पैसा जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, तो अधिकारियों की कार्रवाई कैसे हो, पैसा देकर जा रहे हैं, जो लाखों ले रहा है, खरीद रहे, कौन ले रहा है, बीजेपी के लोग बता सकते हैं। बात छोड़िए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं, सुनिए एक और घटना सुनिए, ये लोग बलात्कारियों के विरुद्ध में कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अभी इन्होंने चिन्मयानंद के अगेंस्ट में जो बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था कई साल पहले, उसको इन्होंने वापस लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो बलात्कारियों को बचाने के लिए पुराने मुकदमों को वापस ले रहे हैं, पुराने अपराधों को खत्म कर रहे हैं अपने लोगों के विरुद्ध में, वो आज के अपराधों के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेंगे। अच्छा एमएल शर्मा जी, इसी से जुड़े एक सवाल पूछता हूँ, चिन्मयानंद वाले केस में जो रेप विक्टिम है, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, उनका बयान भी आया था, तो ऐसे ऐसे मामलों में कानूनन क्या होगा? इसलिए कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के अगर रेप विक्टिम वो डिमांड कर रही है कि ये वापस नहीं होना चाहिए, तो इसमें फर्दर क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा? अगर आप लोग बोलेंगे, मीडिया चिल्लाएंगे, तो कोर्ट कुछ एक्शन करेगी, लोग आप कुछ करेंगे, नहीं तो ये सारी आवाजें भी दबके रह जाएंगी, कोई नहीं पूछेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में उस लड़की का मर्डर हो जाए, एक कंसेंट लेटर आ जाए कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ था, ये सारे राजनीति के अंग हैं, षड्यंत्र हैं, कॉन्स्पिरेसी है। इस दर्द को बात पर कोई वो व्यक्ति नहीं जान सकता जिसने के शादी के बाद ही अपनी पत्नी को वापस लिया जा रहा। दीप्ति जी कुछ बोलेंगी, ये सरकार रेप। चलिए अब हमारा वक्त खत्म हो रहा है। सीआरपीसी में कंपाउंडिंग टोटली प्राइवेटेड, आप कंपाउंडिंग नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये सीएम योगी ये किस आधार पे, किस मॉरल राइट के बेस पे पीएम मोदी और सीएम योगी इस मैटर को वापस ले रहे हैं? और जो लोग बलात्कार का मैटर वापस ले रहे हैं अपने लोगों के विरुद्ध में, वो लोग आज जो बलात्कार हो रहे हैं, इनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? ये केवल इन लोगों को बचाएंगे, इस देश के लोग इसी तरह से सड़ते जाएंगे, मरते जाएंगे, बलात्कार होता रहेगा, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा। दीप्ति जी, चिन्मयानंद केस वाले में आपसे रिएक्शन। मुझे बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को इस तरीके का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था, और इसने कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान को बहुत कम किया है। इसलिए कि ये राजनीतिक मुकदमा नहीं है, ये राजनीतिक मुकदमा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये सेंगर वाला मुकदमा राजनीतिक माना जा रहा है, उस प्रकार से चिन्मयानंद वाला राजनीतिक मुकदमा नहीं है। संभवतः राजनीतिक मुकदमा नहीं है क्योंकि वो तो रेप का केस था, और रेप के केस में उस लड़की ने अपने वो किए हैं। तो मैं चूंकि मेरे बरेली और शाहजहांपुर के बीच का ही ये सारी दूरी का ही केस था, तो इसलिए वो उन दिनों में हम लोगों के सामने आया था। लेकिन जिस प्रकार से रसूखदार लोगों को बचाने की एक मुहिम चल रही है, वो निश्चित तौर पर बहुत अशोभनीय कृत्य है, और उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन मैं फिर भी ये दुआ करती हूँ ईश्वर से कि जो लोग भी इस काम को करने में लगे हैं उन्हें सद्बुद्धि आए। बिल्कुल बिल्कुल,
आपसे आपसे रिएक्शन तारी भाई, मुझे लगता है जितने भी नहीं माफ कीजिए, आप भगवान से प्रार्थना मत कीजिए, आप होना चाहिए चाहे वो जिस लेवल का आज के टाइम में वो है मोदी, मोदी को बोलिए वो इस्तीफा दें, माफी मांगे पब्लिक के बीच में कि उसके लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है सीबीआई की कार्रवाई के बाद जितने भी अफसर इसके अंदर लिप्त हैं, चाहे वो स्पीकर लेवल हो, डीआईजी का लेवल हो, आईजी का लेवल, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और योगी सरकार को अगर थोड़ा बहुत भी नैतिकता उनमें बची है तो उनको योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रिंस लेनिन, आपसे रिएक्शन, वक्त आपका हमारा खत्म हो रहा है। देखिए, इसमें जो है सीबीआई को ये जो आरोपी विधायक हैं इनके साथ साथ उन पुलिस वाले, उन डॉक्टरों को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि ये नजीर बन सके आने वाले समय में कि अगर आप सत्ता के नशे में चूर होके सत्ता में बैठे हुए लोगों का साथ देंगे, अपने पद की गरिमा का दुरुपयोग करेंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे, आपको कानून वही सजा देगा जो एक अपराधी के साथ किया जाता है। जो प्रशासन के लोग इस चैनल को देख रहे हो उन तक मेरी सूचना जरूर पहुंचनी चाहिए कि 100 डायल का जिस प्रकार से दुरुपयोग रसूखदार लोग करते हैं वो बंद हो जाना चाहिए, वो जनता की आवाज बनकर जनता की सेवा के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। 100 डायल तो छोड़ दीजिए, इस उन्नाव वाले केस में वहाँ ये आलम है कि मैं उसी की वजह से ये बात कह रही हूं। पत्रकार पांच पांच के झुंड में निकलते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और उनके खिलाफ जो तांडव हुआ, आप देखिए कार्यालय पर रात में किस तरह पत्रकार मारपीट हुई। जी बिल्कुल, सरासर गुंडई, मैं फिर कह रहा हूँ यूपी कोका के तहत कार्रवाई संगठित अपराध है, पुलिस मेडिकल डॉक्टर सब मिले हुए हैं। अच्छी बात रमन जी ने रखी है, पूरा सरकार का इकबाल पुलिस के अंदर से खत्म हो गया, पुलिस से पूरा डर सरकार का खत्म हो चुका है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप्ति भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तारिक सिद्दीकी जी, आपका भी धन्यवाद। अंशु अवस्थी जी, आपका भी धन्यवाद। प्रिंस लेनिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एमएल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कुल मिला जुला के उम्मीद करते हैं हम लोग कि अब सीबीआई के पाले में गेंद है, तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन कम से कम समाज को, प्रशासन को और पुलिस को इतना इकबाल तो कायम करना पड़ेगा कि के बड़े से बड़े रसूखदार अपने रसूख की वजह से किसी आम आदमी को इस तरह से उसके साथ ज्यादती न करें, उसके साथ जुल्म न करें। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।